लोग रोटी बनाने का सही तरीका नहीं जानते, उससे बीमार पड़ते हैं। सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, ये आज मैं बताऊंगा। और रोटी के बारे में कई सारी और चीजें ऐसी हैं जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। रोटी की ऐसी चीज है जिससे हमारा बिना खाए काम नहीं चलता। सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट में भी रोटी लोग खाते हैं, डिनर में भी खाते हैं, लंच में भी खाते हैं। और रोटी एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हजारों सालों से रोटी खा रहे हैं। लेकिन पहले जिस तरीके से बनती थी, अभी जिस तरीके से बनती है, उसमें बहुत अंतर आ गया है। और किस तरीके से रोटी गलत बनने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। अगर आप गलत तरीके से बनी हुई रोटी खाओगे तो क्या होगा, आपको गैस, एसिडिटी, आफरा होगा, आपके ना कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और रोटी आपके डाइजेशन में दिक्कत आएगी, पचेगी नहीं। ये आप देख रहे हो, ये रोटी हम इसी तरीके से घरों में आमतौर पे बनाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में, माता जी, बहन, आपकी वाइफ या महिलाएं भी जानती होंगी कि यही तरीका है जो हम हजारों सालों से, हमारे जो आमतौर पे हम इसी तरीके से रोटी बनाते हैं और खाते हैं। अब ये तरीके में क्या कमियां हैं और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और इस तरीके से रोटी बनाने से क्या नुकसान होने वाले हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये आपने देखा, ये रोटी तैयार होके आ गई है और हमने इस तरीके से अच्छी खासी फूली हुई रोटी है, जो आमतौर पर लोग खुश होते हैं इसको देख के और खुश हो जाते हैं जबकि फूली हुई रोटी खाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको पिचका के, इसमें क्या है, आप चाहो घी लगा के खाओ या बिना घी लगा के खाओ। आमतौर पर लोग बिना घी लगाए ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं किसी को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या कुछ दिक्कत है, तो इस तरीके से ये रोटी। अब मैं आपको बता दूँ कि रोटी क्या है, तवे पर हल्की सी सेकी गई और उसके बाद इसको गैस पे फुला दिया गया। अब आप देखोगे कि इसकी वजह से ये साइडों में आप देखो कितनी कच्ची रह गई है, और अगर आप इसको फाड़ के देखोगे इस तरीके से, तो आप देखो बाहर से तो ये काफ़ी सिकी हुई लग रही है, अंदर से देखो ये बिल्कुल इस तरीके से आटा रह गया है जो कि आपके पेट में जाके चिपकेगा, आपके कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको तमाम वो दिक्कतें आएंगी जो आपको नहीं होनी चाहिए। और होता क्या है कि कई बार लोग हमारे पास आते हैं, जब उनके हम पेट साफ कराते हैं, क्लिंजिंग कराते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं हाथों का, तो कई सालों पुराना सड़ा हुआ चीजें निकलती हैं जो कि उनको डाइजेशन में दिक्कत आई थी। आप देखो इस तरीके से ये आटा जब आप पेट में जाएगा, जो आटा आपके पेट में जाएगा इस तरीके से, तो ये पचेगा नहीं, ये आपको प्रॉब्लम पैदा करेगा, आपको गैस, एसिडिटी पैदा करेगा। और ये आप देखो यहाँ पे बाहर जो सिक गई है, ये जो काली काली रोटी है, ये क्या करेगी, आपको डाइजेशन में तो दिक्कत देगी देगी, साथ के साथ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आते हैं। आजकल लोगों को एंजाइटी बहुत हो रही है, आजकल स्ट्रेस बहुत हो रहा है, बात बात में गुस्सा आता है, बीपीआई रहता है, ये सब दिक्कतें केवल गलत रोटी खाने की वजह से हैं। आप देखो इस तरीके से गलत रोटी खाने की वजह से, और मैं आपको बताऊंगा घी लगाने का भी और सही तरीका क्या है। ये देखिए, हमने यहाँ पे आटे को काफी देर पहले से गूंथ कर रखा था। लोग क्या करते हैं, तुरंत आटा गूंथा, तुरंत रोटी बनाई और इस तरीके से गलत तरीके से बनाई और खा ली, इससे प्रॉब्लम होती है। सही तरीका क्या है कि आटे को गूंथने में टाइम लगना चाहिए, आटे को बनाने में। जितना टाइम आप आटे को बनाने में लगाओगे, उतना ही टाइम रोटी को, उससे कम टाइम रोटी को पचने में लगेगा। जितना आप जल्दी जल्दी करोगे ना, उतनी जल्दी जल्दी रोटी पचेगी नहीं और आपको बीमारियां पैदा करेगी। ये इस तरीके से लिया है। अब आपने सही तरीका देख लीजिए कि सही तरीका क्या है। ये हमने काफी देर पहले से आटे को रखा हुआ है, आटा गूंथ के, अब ये अपने पूरा अच्छे से डाइल्यूट हो गया है। इसमें क्या हुआ कि आटे में पानी मिलाया, जो भी चीजें की, और हमारी अच्छी पॉजिटिव सोच भी आटे में जाके मिलती है। अब ये आटा थोड़ी देर रख लिया तो ये पूरी तरीके से फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो गई है, कि जिस वजह से आटे को हम बनाते हैं। अब इसके बाद गोल करके जो पूरा प्रोसेस है आटे को बेलने का, वो होगा। तो आटे को जितनी देर हमने गूंथ के यहाँ पे रखा, उससे फायदा क्या हुआ कि आटा पूरा अच्छे से तैयार हो गया। जल्दबाजी आप करोगे तो आटा अच्छे से तैयार नहीं होगा। और जितनी देर आटा गूंथने में लगती है, उसके बाद कम से कम आधा घंटा उसको इस तरीके से आप रख दो, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करो रोटी बनाने की। जब आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे तो जो रोटी तैयार होगी वो इस तरीके से गलत रोटी नहीं होगी, अच्छी वाली रोटी होगी जो आपको फायदा करेगी, आपकी बीमारियों को दूर करने का काम करेगी। और आपने उसमें घी कैसे लगाना है अभी मैं ये भी बताने जा रहा हूँ, और किस बीमारी में कैसा करना चाहिए, किस तरीके की रोटी खानी चाहिए, ये भी बताऊंगा। तो ये कच्ची रोटी नहीं रह जाए, ये कच्ची बीमार करने वाली रोटी नहीं रहे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके से रोटी तवे पे डाल दी, अब हमने क्या करना है कि उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से पहले आप रोटी बनाते रहे हो, उसी तरीके से इसको सिकने देना है।
अब देखिए धीरे धीरे रोटी सिक रही है, और मैं आपको बता दूं ये जब रोटी आपकी तैयार होगी वो रोटी स्वाद में भी अच्छी होगी, डाइजेशन भी अच्छी होगी। आप अगर अपनी दादी नानी से जाके पूछोगे तो वो इसी सही तरीके से रोटी बनाती रही होंगी। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हम इतने सालों तरीके से रोटी खा रहे हैं और आज ये सही तरीका भी बताने जा रहे हैं। तो सही तरीका हम इसीलिए बता रहे हैं कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो अच्छा खाता हूँ, बिल्कुल गलत चीज़ें नहीं खाता हूँ, ठीक है चूल्हे की रोटी खा रहा हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा गलत चेंज करके ही अपने आप को सही कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर नॉर्मल चीज़ें भी खा रहे हो वो भी आपको नुकसान कर रही हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी लाइफस्टाइल में क्या गलती हो रही है जो हमें प्रॉब्लम कर रही है और जो बीमारियाँ पैदा कर रही है कि अच्छा खाने की वजह से भी हम इस तरीके से बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखो ये रोटी धीरे धीरे तैयार होने लगी। अब हमें क्या करना है कि इसको जो गैस पे आप फुलाते थे वो गैस पे नहीं फुलाना है। सही तरीका क्या है कि इसको तवे पे ही हल्के से कपड़े की सहायता से आपने धीरे धीरे फूलने देना है। धीरे धीरे कपड़े की सहायता से ही रोटी को वहां पे सेकना है। आपने ये नहीं करना कि उठा के केवल भुना, केवल फुलाने के लिए आपने गैस पे कर दी, इसको तवे पे ही ऐसे फूलने देना। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि ये धीरे धीरे फूलने लग रही है। अब इससे क्या होगा, जब आप तवे पे कपड़े से इस तरीके से डीप करोगे तो अंदर तक जाके रोटी सिकेगी, और अंदर तक जाके जब रोटी सिकेगी और आप इसको खाओगे तो आपको स्वाद तो आएगी आएगा, साथ के साथ में आपको ये बीमारियां नहीं देगी, आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, आपको बहुत सारे वो फायदे देगी जो आपको इस रोटी से मिलने चाहिए। और गैस पे जलने की वजह से क्या हुआ था कि इस रोटी के जो न्यूट्रिशन मर गए थे वो यहाँ पे नहीं मरेंगे। यहाँ आपको मैं अंतर भी दिखा दूंगा कि ये देखो ये गैस पे जलाने की वजह से सारी काली हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और आप खुद सोच लो कि गैस पर जलाने की वजह से उसके न्यूट्रिशन तो वैसे ही मर गए, तो आपको फ़ायदा तो उसने कुछ किया नहीं। अब देखिए ये हमारी सही रोटी आ गई है और थोड़ी गर्म है ये क्योंकि तवे से आई है। मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ, आप ये देखो इस वाली रोटी के आटे में और इसमें बहुत अंतर है। ये कच्चा कच्चा रह गया, यहाँ पे ये डीप जाके सिका है, और आप ऊपर से देखोगे तो ये जला नहीं है इस तरीके से। तो जब आप इस रोटी को खाओगे जो तवे पे फूली है तो आपको गैस की दिक्कत नहीं आएगी, डाइजेशन की दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह दिक्कत नहीं है तो आप घी लगा के खा सकते हो। घी हमें गैस पे गर्म नहीं करना, ये देखिए जमा हुआ घी है, हमने इसको रोटी पे डायरेक्ट रख दिया जिससे रोटी की गर्मी से ही पिघलेगा, ये तरीका सही है। अगर आपको नहीं खाना रोटी पे तो आप दाल वगैरह में डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपने गर्म नहीं करना है, दाल की या रोटी की गर्मी से ही घी पिघलना चाहिए। आप देख सकते हो इस तरीके से घी पिघल रहा है। अगर हम ये छोटा सा लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, रोटी बनाने का सही तरीके कर लें, तो हम अपनी बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे, अपने आप को ठीक कर पाएंगे। मेरा नाम मयंक पुरवाल है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए आप मुझसे करनाल प्लस पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।